नमस्कार दोस्तों, क्षमा चाहूँगा, लाइव सेशन किसी नेटवर्क इशू के कारण ख़राब हो गया था, तो जो बातें बतानी थी वो बातें कहीं अधूरी ना रह जाएं, इसी कारण से इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आज आप लोगों को कुछ घटनाओं के बारे में मैं बता बताने के लिए आया हूँ। बाकी कल के लाइव सेशन के अंदर हम कवर कर लेंगे, जिसमें सारी जानकारी आपको संक्षेप रूप में मिल जाएगी और आप लोग जान भी पाएंगे और आप लोगों के कमेंट्स का जवाब भी मिल पाएगा। तो इस समय के ऊपर जो अब शुक्रदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं, इन शुक्र के राशि परिवर्तन करने के बाद में हेल्थ समस्याओं को लेकर के, हेल्थ रिलेटेड चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा हम लोगों को सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे पहले डेढ़ महीना जो अब आने वाला समय था, मंगल और गुरु का प्रभाव, मंगल और गुरु का प्रभाव साथ में दुनिया को एक बहुत बड़े नेगेटिव समय की ओर ले जा चुका है, बहुत बड़ी शुरुआत कर चुका है, बहुत बड़े विवादिक समय की शुरुआत कर चुका है, बहुत बड़ी कठिनाइयों की शुरुआत कर चुका है। और ये विवादिक समय और ये कठिनाइयाँ उन सभी लोगों के लिए परिस्थितिक बदलाव को लेके आ रही हैं जो किसी ना किसी रूप के अंदर किसी संस्था, किसी बड़े पेशे या फिर किसी धर्म से या फिर किसी मठ से जुड़े हुए हैं, और ये सभी इस समय के ऊपर गुमराह होने की स्थिति के अंदर फंसते हुए नज़र आएंगे। दुनिया के अंदर हलचल का माहौल उत्पन्न होता हुआ जाएगा। इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा चेंज, आप लोगों को बजट ऑलरेडी आ चुका है और बजट के बाद में इकोनॉमी को लेकर के बहुत बड़ा चेंज आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। वहीं पर विवादिक परिस्थितियाँ जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी विवादिक परिस्थितियाँ बड़े पैमाने के ऊपर शुरुआत होती हुई नज़र आएगी, जिसके अंदर चाइना अपनी भागीदारी निभाता हुआ नज़र आएगा। वहीं दूसरी ओर पश्चिम अपना हाथ सभी के हाथ ऊपर से खींचता हुआ नज़र आएगा, ऐसा दिखाने का प्रयास करेगा चुनाव से पहले कि जिस प्रकार से आगे आने वाले टाइम के अंदर वो ही सबका एक दाता है, जबकि ऐसा नहीं होने वाला। जबकि इसके विपरीत पश्चिम बुरी तरीके से हर समस्या के अंदर, चाहे वो यूरोपियन, चाहे वो एशियन, चाहे वो मिडल ईस्ट, 3-4-5 जगहों के ऊपर अपने आप को फंसाएगा, और इसी के कारण, फंसने के कारण पश्चिमों के अंदर बहुत बड़ी संकट भी उत्पन्न होता हुआ नज़र आ सकता है। विवादिक परिस्थितियां इस समय के अंदर घर और परिवार को भी चिंता के अंदर डालती हुई नज़र आएंगी। एक्सीडेंट्स का योग बन रहा है, बड़े एक्सीडेंट्स का भी योग बन रहा है, दोनों ही, चाहे वो हवाई, चाहे वो ट्रेन, चाहे वो बस या फिर गाड़ियों के बड़े एक्सीडेंट, और जिनके अंदर हम लोगों को मृत्यु का आंकड़ा देखने को मिले, आप लोगों को गंभीर समस्या के अंदर फंसाते हुए नज़र आ सकते हैं। वहीं जो चार धाम जाने के लिए अपने आप को आगे बढ़ा रहे थे, जो चार धाम जाने के लिए ये सोच रहे थे कि चार धाम की यात्रा इस समय पर करनी है, वहीं पर ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि चार धाम की यात्रा करने के लिए बड़ी कठिनाइयों का समय उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि धर्म रिलेटेड ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको, धर्म के रास्ते में आने वाली मुसीबतें, धर्म के रास्ते में आने वाला विवाद, धर्म के रास्ते में आने वाला परिस्थितिक बदलाव हम लोगों को बहुत बड़ी हानि पहुँचाता हुआ भी नज़र आता है। जिस प्रकार से बद्रीनाथ का रास्ता थोड़े समय पहले बंद हुआ था, फिर केदारनाथ के अंदर घटना घटित हुई, और अभी गंगोत्री का संपूर्ण मार्ग जब कांवड़ को लाने के लिए तैयार है, तो प्रभु देखो किस प्रकार से खेल खेल रहे हैं, ग्रह किस प्रकार से नियति चाल चल रहे हैं, क्योंकि इस समय पर कांवड़ियों का सबसे बड़ा योगदान रहता है कांवड़ लाने में। कांवड़िए अपनी अपनी इच्छा के लिए अपनी अपनी जगहों से, चाहे वो हरिद्वार हुआ, चाहे वो शुक्रताल हुआ, चाहे वो ऋषिकेश हुआ, चाहे वो गंगोत्री धाम हुआ, वहाँ से कांवड़ को लेके आते हैं, गंगा जल को भरते हैं और वहाँ से लाके शिवजी के ऊपर शिवरात्रि वाले दिन चढ़ाते हैं। तो इसी रास्ते के अंदर बड़ी बाधा का आ जाना, गंगोत्री जाने वाले रास्ते का पूर्ण रूप से बंद हो जाना, बड़ी कठिनाइयों को दिखाता है, आने वाले समय के बड़े संकट को दिखाता है। और ये संकट एक ऐसा संकट है जिसको हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय के ऊपर नियति और प्रकृति दोनों एक साथ मिलके एक समय को, एक सारणी को चलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण विवादिक कठिनाइयाँ धर्म के प्रति, चाहे वो रास्ते हो, चाहे वो मठ हो, चाहे वो बयान हो,
चाहे वो कोई भी आकलन हो, उसके प्रति अलग अलग प्रकार से कठिनाइयाँ जीवन के अंदर उत्पन्न होती हुई नज़र आ रही हैं। यहीं पर अगर हम 12 की 12 राशियों की बात करते हैं तो 12 की 12 राशियों के जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिस्थितिक बदलाव इस समय के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बिजनेस के अंदर थोड़ा कमी होती हुई, बिजनेस के अंदर कठिनाइयाँ आती हुई, कर्जा थोड़ा सा बढ़ता हुआ जिन लोगों पर कर्जा है इस समय के ऊपर देखने को मिल सकता है। गवर्नमेंट के कारण कोई ऐसे अनैतिक फैसले जो अभी उत्पन्न हुए इसके कारण विवादित माहौल कई जगहों के ऊपर उत्पन्न होता हुआ भी नज़र आ सकता है। यहीं पर शिक्षा के क्षेत्र के अंदर कठिनाइयां उत्पन्न होती हुई नज़र आ सकती हैं, आ सकती है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये भविष्य सारणी है, ग्रहों की नियति है। इसको ये नहीं बोला जाएगा कि ये हो रही है या हो गई है, इसको यही बोला जाएगा कि आने वाले समय के अंदर ये होकर रहेगी। तो इस बात को आप समझ लीजिए। मंगल का जो ये प्रभाव है, ये इक्वेशन क्रिएट कर रहा है आने वाले समय के अंदर इकोनॉमिक बहुत बड़ी समस्याओं के अंदर फंसता हुआ नज़र आएगा। राजनीतिक विवाद, राजनीतिक उथल पथल, राजनीतिक मुद्दों को लेकर के जनता के अंदर विरोध, खास तौर पे भारत की अगर मैं बात करता हूँ तो भारत के अंदर आंतरिक पार्टियों का विरोध, भारत के अंदर आंतरिक मुद्दों को लेकर के परेशानियाँ, आंतरिक मंत्रिमंडल के अंदर एक दूसरे के प्रति बढ़ता हुआ विरोध, जैसा अभी यूपी के अंदर हम लोगों को देखने को मिला कि किसी एक नेम प्लेट को लेकर के इतना बड़ा परिस्थितिक बदलाव, इतना बड़ा विरोध का कारण बना जिसने सुप्रीम कोर्ट को भी फैसला देने पर मजबूर कर दिया। तो इसी प्रकार से विवादित परिस्थितियां और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आती हैं। यहीं पर अगर मैं कनाडा की बात करता हूँ तो कनाडा के अंदर बहुत बड़े बदलाव की लहर इस समय पर देखने को मिलेगी। कनाडा के अंदर कई ऐसे सत्ताधारी कई ऐसी कठिनाई के अंदर फंसाएंगे जो जनता को दोबारे से उन गुट के प्रति बहुत ज़्यादा ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि आने वाले समय के अंदर 2025 में जो कनाडा के चुनाव होने वाले हैं क्या ये कनाडा रहने लायक बचा है या नहीं बचा है। तो इस प्रकार का पारिस्थितिक बदलाव हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। वाटर और अर्थ एलिमेंट के कारण बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। वाटर एलिमेंट इस समय के ऊपर बड़े स्तर के ऊपर बारिश के कारण परेशानी ला सकता है। नॉर्थ इंडिया इससे प्रभावित हो रहा है और अभी आगे आने वाले 30 दिनों के अंदर और भी ज़्यादा प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। मध्य पश्चिम और दक्षिणी भाग के अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा प्रकृति को लेकर के, नेचर को लेकर के। हालात बद से बदतर और गंभीर भी उत्पन्न हो सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूँ किसी ऐसे आंदोलन की जो साउथ के अंदर राजनीतिक आंदोलन का रुख ले ले, साउथ के अंदर बड़ी घटना का रुख ले ले, एक बड़ी घटना जो इस समय के ऊपर साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर होती हुई मुझे नज़र आती है, जिसके अंदर वेस्ट की भागीदारी भी भरपूर रहने वाली है। तो ये सारी की सारी समस्याएं हमारे सामने बहुत ही छोटी से आकलन के अंदर मैंने आप लोगों को बताई है। पूरा डिटेल वीडियो था लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से छोटा करना पड़ा। उम्मीद है इन सारी चीज़ों से आप लोगों को पता लग गया होगा। पुरानी प्रिडिक्शंस मैंने वो छोटा सा जो अभी लाइव सेशन किया उसमें दिखा दी थी, जिसमें अभी नेपाल के अंदर जो हादसा हुआ, प्लेन हादसा, उसके बारे में संक्षेप रूप में बोला गया था, सारी जानकारी उसके अंदर दी गई थी। उस हादसे के बारे में पहले से अवगत भी कराया गया था कि इस प्रकार का हादसा आगे भविष्य में इतने समय के अंतराल के अंदर अंदर हम लोगों को होता हुआ दिखाई देता है। तो पहले से हर चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अवगत कराता जा रहा हूँ, वीडियोज़ भी दिखा रहा हूँ प्रूफ के तौर पर जो सत्य साबित होती हुई जा रही हैं। तो अब आने वाले टाइम के अंदर क्या परिस्थितिक बदलाव आने वाले हैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे साथ आप लोगों के पास में आने वाला है, लाइव सेशन होगा, जिसके अंदर मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि वर्ल्ड वार 3 के अंदर पहले भारत के राज्यों के बारे में बताया था, अब ये बताऊँगा कौन कौन से देश संपूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे, कौन कौन से ऐसे देश होंगे जो 10-20% ही हानि उठाएंगे बाकी नहीं उठाएंगे। तो कल के वीडियो के लिए 6:32 के ऊपर इवनिंग में 6:32 PM पे सारे के सारे लोग जुड़िएगा ताकि आप लोगों को भी जानकारी मिल पाए। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। प्लीज़
लाइव सेशन नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, मैं बोलूंगा नहीं, मैं जरूर बोलूंगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आप सभी लोग वीडियो को देखने के बाद में प्रिडिक्शन के अंदर इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि सब्सक्राइब का बटन और लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं। तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, और वो एक ही बार दबाना पड़ता है, वाइट कलर का बटन राइट हैंड साइड में नीचे दिखाई देता है, और उसमें ऊपर घंटी का जो निशान बना हुआ है उसको ऑल पे कर लीजिए, ताकि आने वाले लाइव सेशन और वीडियो की नोटिफिकेशन जिसमें महत्वपूर्ण प्रिडिक्शंस होती हैं आने वाले समय को लेकर के आपको जानकारी मिल पाए। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्षमा चाहूँगा लाइव सेशन नहीं कर पाया, कल जरूर करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो जय श्री कृष्णा, जय माता दी।